Hello children, in this video we will do style tags or you can say formatting tags. तो style tags का क्या use होता है? Style tags का use होता है text की formatting के लिए. Okay? So let us start. Here we will start with the HTML tag. Okay? HTML से हमने start किया. फिर हम देंगे head. Head के अंदर आप क्या देते हो? Title. Right? Title हम दे देते हैं style tags. ओके एंड देन हेड क्लोज टाइटल क्लोज एंड देन हेड क्लोज. हेड क्लोज ओके देन वी हैव बॉडी राइट. अब इसमें हम वन बाय वन स्टाइल टैग्स का यूज करेंगे. तो सबसे पहले जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा बोल्ड टैग. बी बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड. ओके तो इसमें हम कुछ भी एक सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं. जैसे हमने लिया यही लेते हैं स्टाइल टैग ट्यूटोरियल. ओके सो ये जो जितने भी टैग्स हैं फॉर्मेटिंग टैग्स या स्टाइल टैग्स वो क्या है? कंटेनर टैग्स हैं. तो आप इसका ओपनिंग टैग भी यूज करोगे और क्या करना है इसका क्लोजिंग टैग भी यूज करना है. ठीक है तो यहाँ पे हमने बोल्ड टैग यूज किया है. बोल्ड टैग क्या करता है? जो भी टेक्स्ट आप बोल्ड टैग टैग के अंदर एनक्लोज करते हो मतलब डालते हो उसकी बोल्ड टैग के अंदर वो क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है. फाइन अब यहाँ पे हम ब्रेक लाइन कर देते हैं जिससे वो नेक्स्ट लाइन में है. नेक्स्ट ओके नेक्स्ट टैग हम यूज करेंगे इटैलिक. ओके इटैलिक सेम हम इस टैग को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से. एंड देन ओके या ये इटैलिक जो टैग होता है उसका किस लिए यूज होता है? इसको टू इटैलिसाइज्ड द टैग्स मतलब उसको इटैलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपने टैग्स इसके अंदर लिखा है. राइट नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन टैग यू टैग. ओके राइट यू टैग से क्या होगा? आपका जो भी टैग्स है वो क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा. ओके वी आर टैग. नेक्स्ट वी हैव बिग टैग. ओके अब बिग टैग का क्या यूज होता है? इट मेक्स द एनक्लोज्ड टैग बिगर इन साइज देन द सराउंडिंग टेक्स्ट बाय टू पॉइंट्स. मतलब जो भी टेक्स्ट आप बिग टैग के अंदर एनक्लोज करोगे बिग टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो जो सराउंडिंग वाला जो उसके आसपास वाला टेक्स्ट होगा उससे दो पॉइंट्स क्या होगा? उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. फाइन टू पॉइंट्स उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. फाइन ओके और स्मॉल टैग क्या करेगा? स्मॉल टैग टेक्स्ट को टू पॉइंट स्मॉल कर देगा. मतलब जो सराउंडिंग टेक्स्ट है जो उसके आसपास टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के कंपेरेटिवली वो दो पॉइंट छोटा हो जाएगा. बिग टैग में क्या करता है? टू पॉइंट्स उसको बड़ा कर देता है और स्मॉल टैग क्या करता है? टू पॉइंट्स उसको छोटा कर देता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेक्स्ट. ओके देन वी हैव स्ट्राइक टैग एस. ठीक है स्ट्राइक टैग क्या होता है? अ लाइन पासेस टू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट. जब आप स्ट्राइक टेक्स्ट का यूज करते हो तो एक लाइन पास करती है टेक्स्ट के मिडल से. ओके तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू भी बोलते हैं और स्ट्राइक टैग. राइट यस ओके देन वी हैव सब टैग. सब टैग ओके द सब टैग डिस्प्लेज द एनक्लोज्ड टैग टेक्स्ट एज अ सबस्क्रिप्ट. ठीक है अगर आप जो भी टेक्स्ट आप एनक्लोज करोगे या नंबर एनक्लोज करोगे सब टैग के अंदर वो एज अ सबस्क्रिप्ट बन जाएगा. ठीक है सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट अपीयर स्लाइटली बिलो द बेस लाइन और यू कैन से जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? जो ऑलरेडी जो टेक्स्ट दिया हुआ होता है उससे थोड़ा छोटा उसके बिलो आता है उसके नीचे आता है उसका फॉन्ट भी उससे छोटा होता है. राइट तो हम यहाँ पे करके देखते हैं. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम H2O का. फाइन H2O हम लिखेंगे यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं. इसे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जाएंगे.
सबस्क्रिप्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें एच टू ओ लिखना है, फाइन, हमें क्या लिखना है, एच टू ओ, तो हमने एच लिया, ओके। अब एच के बॉटम पे क्या है, टू है, तो हमने टू को क्या कर दिया, सब टैग के अंदर डाल दिया। इससे क्या होगा, ये सबस्क्रिप्ट टू क्या बन जाएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, एच के बॉटम में आ जाएगा, और यू कैन से एच की बेस लाइन पे आ जाएगा, और उसका फॉन्ट भी स्मॉल हो जाएगा, राइट, एन ओ, राइट। ये हमने क्या लिखा, एच टू ओ, ओके। देन वी हैव सुपर स्क्रिप्ट टैग, और यू कैन से सब, जो हमारा ये है, ये क्या है, सब सब, और ये क्या है, स अप सब, ओके, और यू कैन से सुपर स्क्रिप्ट, राइट। अब इस टैग से क्या होता है, इससे क्या बनता है, द सब टैग डिस्प्लेज द एनक्लोज टेक्स्ट एज अ सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट बना देता है। सब क्या बनाता है, सबस्क्रिप्ट बनाता है, मतलब जो भी आप टेक्स्ट या नंबर इसमें एनक्लोज करोगे, वो जो आपके उससे पहले जो टेक्स्ट होगा, राइट, जो भी अल्फाबेट नंबर होगा, उसका क्या बन जाएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, उसकी बेस लाइन पे आ जाएगा, उसके बॉटम पे आ जाएगा, उसका फॉन्ट भी स्मॉल हो जाएगा। एंड सब क्या करता है, सुपर स्क्रिप्ट बना देता है, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट अपियर स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द प्रिसीडिंग टेक्स्ट एंड इन अ स्मॉलर फॉन्ट, ठीक है। जो सबस्क्रिप्ट, सॉरी, सुपर स्क्रिप्ट होता है, वो क्या होता है, जो उससे पहले का टेक्स्ट होता है, उससे प्रिसीडिंग टेक्स्ट होता है, उसके टॉप पे चला जाता है, और इसका भी फॉन्ट क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। जैसे हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है मैथ्स, मैथ्स का हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने पहले लिखा एक्स, ओके, देन सब, हमें एक्स स्क्वायर लिखना है ना, टू को पावर बनानी है एक्स की, तो उसको हमने सब टैग के अंदर एनक्लोज कर दिया, फाइन, प्लस वाई, ओके, एंड वाई की पावर भी हमें टू चाहिए, तो हमने अगेन सब टैग का यूज किया, एंड देन टू को इसमें एनक्लोज किया सब, ओके, राइट। अब यहाँ पे बी आर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमने कितने यहाँ पे स्टाइल टैग्स किए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, स्मॉल, ओके, स्ट्राइक थ्रू, एंड आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, राइट। अब आप अपनी फाइल को सेव करोगे, सिंपली डेस्कटॉप हमने सेव कर लिया है, हमने किया स्टाइल डॉट html, html एक्सटेंशन जरूर लगानी होती है, डॉट एंड देन सेव, फाइन, ये हमारा स्टाइल आ गया। ओपन विद, इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन कर लेते हैं, फाइन। अब देखो आप इसका रिजल्ट देखो, सबसे पहले आपका बोल्ड टेक्स्ट था, तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ओके, देन आपका इटैलिक था, तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, इटैलिक हो गया, देन आपका अंडरलाइन था, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया, फाइन, देन आपका बिग टेक्स्ट था, तो देखो उसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, ओके, और जो स्मॉल है उसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है। देन स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक आपने टैग यूज किया, तो क्या हो रहा है, सेंटर से, टेक्स्ट के सेंटर से एक लाइन जा रही है। देन आपने सबस्क्रिप्ट की हेल्प से क्या लिखा, H2O, H2O आ गया आपका, ओके, देन आपने सुपर स्क्रिप्ट की हेल्प से क्या लिखा, X2 प्लस Y2, ओके, तो सबस्क्रिप्ट क्या करता है, जो भी आप उसके जो भी टेक्स्ट है नंबर्स में एनक्लोज करोगे, वो क्या बन जाएगा, वो प्रीसीडिंग टेक्स्ट के बॉटम पे चला जाएगा, उसका फॉन्ट स्मॉल हो जाएगा। और सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट है नंबर आप यूज कर रहे हो, वो प्रीसीडिंग टेक्स्ट के क्या टॉप पे चला जाएगा, और उसका फॉन्ट भी स्मॉल हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड, ठीक